कुरुक्षेत्र से सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी 2 सितंबर से अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। इसे लेकर सैनी ने कहा है कि उन्होंने करीबन सभी विधानसभाओं का दौरा किया है, कुछ का दौरा जल्द पूरा कर लेंगे। वहीं अपने कार्यक्रमों में रुकावट के लिए सैनी ने सीधे तौर पर जाट नेताओं को दोषी माना। पिछले दिनों पानीपत बार एसोसिएशन में अपने कार्यक्रम के दौरान ताला लगाए जाने पर सैनी ने कहा कि पानीपत के कुछ वकीलों ने ताला लगाकर यह सिद्ध कर दिया है कि यहां भी जाट नॉन जाट का माहौल है। सैनी ने कहा है कि प्रदेश में दबंगों को बाहर निकालने के लिए ही राजनीति में आए हैं और जो सपना जनता ने 70 साल पहले देखा था उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत हूं। प्रदेश में जो जिस प्रकार का भेदभाव हुआ उस भेदभाव को दूर करके जनता को समान रोजगार अधिकार दिलाने का हमारा प्रयास है और उसके लिए हम यहाँ पर पानीपत में 2 सितंबर को बड़ी एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने बार एसोसिएशन के कार्यक्रम को भी उस भाग में बांट दिया कि यहाँ जाट और नॉन जाट है, पहले परमिशन दी जाती है, फिर कैंसिल की जाती है, फिर ताला लगाया जाता है, बंदी बनाए जाते हैं वकील, और कल परसों डबचिक में मेरे प्रोग्राम के अंदर हथियार लेकर के कुछ शरारती तत्व घुसे जिनको पुलिस ने डिटेन किया और उनको मात्र 107 कुंजा के बाद में छोड़ दिया, जबकि कॉन्स्पिरेंसी का केस बनता है। व्यवस्था ठीक करने के लिए हम प्रयासरत हैं। दादागिरी जो करने वाले लोग हैं उन्होंने पूरा प्रदेश फूंक दिया, इसी बात को ठीक करना है।